महाराष्ट्र में सचिन वाजे का मामला गर्मा रहा है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में विधायक अबू आजमी ने नागपुर में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार ने निलंबित सचिन वाजे को नियुक्त नहीं करना था। सरकार ने जब सभा में विरोध हुआ तभी वाजे को निलंबित करना था। देखिए, सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। सचिन वाजे को, जिसपे ख्वाजा यूनुस के मर्डर का केस चल रहा था, ड्यूरिंग केस उसको रीस्टेट नहीं करना चाहिए था। जिस दिन मुझे खबर आई थी रीस्टेट, मैंने उसी दिन एजिटेशन किया था और मैं संजय राउत के पास जाकर, शरद पवार जी के पास जाकर, अनिल देशमुख जी के पास जाकर, भाई इस आदमी को रीस्टेट मत कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि परमवीर सिंह का कुछ ऐसा एडवाइस रही होगी उनको कि उन्होंने उसको रीस्टेट किया। ये सबसे बड़ी सरकार की गलती थी। सेकंड थिंग, जब हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर ने मांग किया था, उसी दिन उसको सस्पेंड करना चाहिए था। मैं सत्ता के साथ रहने के बाद ये कह रहा हूँ कि ये हमारी कहीं ना कहीं सत्ता काटने की भूल है। उसको सस्पेंड करना ही चाहिए था, क्योंकि उस आदमी का कैरेक्टर जो है ना पहले से बहुत ख़राब है। नहीं, यह मैं मेरा कहना, आरोप ये लगा रहे हैं कि सबसे पहले परमवीर सिंह को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि अगर चाहे गृह मंत्री ने इतना पैसा उगाही की बात किया था तो उन्होंने जाकर क्यों नहीं शरद पवार जी से कहा, उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री को ये कंप्लेन किया? क्योंकि उगाही का काम सबसे ज़्यादा परमवीर सिंह का ही पहले से चला रहा है। परमवीर सिंह के कई केसेस चल रहे हैं पैसे वसूली के।